हसन और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हूं मैं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। जैसा कि सभी को पता है कि आज इलेक्शन की तैयारियां हुई थी और आज मतदान जारी है। इसी के चलते पूरे जिले भर में मतदान चालू हो गया है और सभी मतदान बूथ पर जाकर अपना मतदान कर रहे हैं। हम आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले अमहिया स्थित गल्ला मंडी में, जहाँ पर क्षेत्रीय मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपने परिवार के साथ यहाँ पर मतदान किया और साथ ही वो जीत के लिए आश्वस्त दिखे। कैसा रहा पहले वाले? अभी तक के चुनाव में सबसे ज़्यादा मुझे सुकून देने वाला चुनाव इसलिए है कि बहुत सारे काम जो जनता के सपने थे उसको ज़मीन पर उतारने के बाद मैं जनता के बीच में गया हूँ, तो लोगों ने हाथों हाथ लिया है, बहुत स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला है। और इस चुनाव में मुझे ज़्यादा ही नहीं बताना पड़ा कि मैं ये करूँगा, बहुत सारा काम मैंने कर दिया है जो जनता ने देख लिया है। बल्कि एक पत्रकार ने तो मुझसे ही भी पूछा था कि बचा क्या अगली बार, में आप क्या करेंगे अगली बार, तो हमने कहा था कि यदि इस बार आशीर्वाद मिलेगा तो मुंबई, दिल्ली और भोपाल के लिए हवाई जहाज उड़ा देंगे। बहुत वो किस परिप्रेक्ष्य में वो बातें हुई थी, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, वो बातें स्पष्ट हो गई हैं। जो जिस व्यक्ति ने आर्थिक आधार पर संबल योजना शुरू करके, और चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, 5 एकड़ से कम के किसान तक को तो संबल योजना में शामिल करके उनके बच्चों की पढ़ाई और उनके 5 लाख रुपए की दवाई, और यदि भूमिहीन है तो पट्टा, बिजली का बिल माफ़ करना, यदि कोई गरीब व्यक्ति है आर्थिक रूप से 200 रुपये महीने बिजली का बिल आएगा, दुर्घटना में यदि किसी की मृत्यु होगी तो 4 लाख रुपए की राहत राशि, और बीमारी में मृत्यु होगी तो 2 लाख रुपए की राहत राशि। तो इस प्रकार के योजनाएँ लाने वाला व्यक्ति कैसे किसी भी जाति के प्रति उनका संवेदनशीलता नहीं हो सकती है। उन्होंने पूरे लगन से और पूरे मन से हर वर्ग के, हर समाज के लोगों की सेवा करने का अपने धर्म का पालन किया है, इसलिए लोग समझते हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। यदि कोई भाषण हो रहा है उसमें से कोई चीज़ पूरी ना निकाल के और एक क्लिप ऐसा बना लेना कि उन्होंने ऐसा कहा है, और उसके पहले की और बाद की बातों को ना दिखाना, ये राजनीतिक कदम थे विरोधी दलों के, जिसको जनता समझ गई। जिले में तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 में से 8 सीटें आ सकती हैं, जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं, और प्रदेश में 200 से ज़्यादा सीटें आए, ऐसा हमारा प्रयास है। देखिए जनता, मुझे लगता है कि 10-20 सीटें ऊपर नीचे हो जाए बात अलग बात है, लेकिन भरपूर समर्थन जनता का मिल रहा है। उंगली दिखा दीजिए और लोग भी दिखा दें। एक मेरे में ले लीजिएगा। अभी आपने देखा कि यहाँ पर राजेंद्र शुक्ल ने अपने परिवार के साथ मतदान किया और वो लोगों से मिलते रहे। साथ ही आपको लेकर चलते हैं रीवा शहर में, पहली बार महिलाओं ने बूथ एक बनाया है जिसको नाम दिया गया पिंक बूथ। ये शहर के पीके स्कूल में बनाया गया और इस बूथ में खासियत ये रही कि इसे साज सज्जा के साथ ही सजाया गया था, और यहाँ पर पूरा जो है महिलाओं के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो मतदान कराएं। तो आपको लेकर चलते हैं पिंक बूथ में, जहां पर महिलाएं वोटिंग करा रही हैं।
पिंक बूथ में मतदान करके बाहर आ रहे कुछ मतदाताओं से चर्चा की हमारे न्यूज एडिटर जावेद जी ने। आइए आपको सुनाते हैं मतदाताओं का क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। इस समय हम खड़े हैं पीके स्कूल में, सबसे पुराने स्कूल, शहर के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। किसी ज़माने में इसी स्कूल के छात्र रहे डॉक्टर करण जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। महिलाएं इस बार इस पोलिंग बूथ में मतदान करा रही हैं। हम उनसे बात करते हैं, अपने पुराने स्कूल में आके मतदान करना उनको कैसा लगा? मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी सालों बाद इस स्कूल के अंदर आया हूँ और मैं यहाँ पर इतना अच्छा ग्रीनरी और इतना अच्छे पेड़ देख करके और ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पर पहले पढ़ते थे और आठवीं कक्षा तक हम लोग इस स्कूल में पढ़े हैं और तब मेरी मम्मी भी इस स्कूल में पढ़ाया करती थी। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है इसके अंदर आकर के और ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर में ही आकर के मतदान कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब, अब ये बच्चों लड़कों के लिए स्कूल नहीं रहा, इस स्कूल में अब केवल और केवल लड़कियाँ पढ़ती हैं। आज इस स्कूल में महिलाएँ ही मतदान करा रही हैं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। हालाँकि जैसा मैंने बताया कि मेरी मम्मी इस स्कूल में पढ़ाया करती थी और जब हम लोग पढ़ते थे तब यहाँ पर एक मैडम जोशी हुआ करती थी, वो यहाँ की प्रिंसिपल भी हुआ करती थी। तो हम लोगों ने शुरू से ही इस स्कूल में और आठवीं क्लास के बाद ये 9th 10th 11th ये गर्ल्स स्कूल ही हुआ करता था। तो ये तो शुरू से इस स्कूल की प्रथा रही है कि यहाँ पर महिलाओं को बहुत प्राथमिकता दी गई है, जो कि आज से नहीं बहुत समय पहले से ऐसा हो रहा है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं भी इस स्कूल का छात्र रहा हूं। मेरे बगल में डॉक्टर करण जोशी भी रहे, ये भी इसी स्कूल के छात्र हैं। इनकी माताजी यहां पर स्कूल में पढ़ाया करती थी। आज यहां पर स्कूल में केवल छात्र इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, ये पूरी तरीके से ये स्कूल लड़कियों का हो गया है। आज यहां पर मतदान महिलाएं ही करा रही हैं। हमारे साथ आप भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी स्कूल में आई हूँ पहले, यहाँ पर बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, सब पूरे पुराने स्टाफ याद आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर साहब का साफ तौर से कहना था कि हमें बचपन, अपना बचपना याद आ रहा है इस स्कूल में आके, और अभी इस स्कूल में महिलाएं ही मतदान करा रही हैं। रीवा दर्शन की मैं चालू। रीवा जिले में यूं तो शांतिपूर्वक मतदान जारी है, लेकिन कहीं कहीं चुटपुट घटनाएं भी सामने आई। कुछ तकनीकी खराबी के चलते कई मतदान केंद्रों में देर से मतदान प्रारंभ हुआ। इसी कड़ी में आपको लेकर चलते हैं सिलपरा, जहां पर कुछ देर से मतदान हुआ। हालांकि मतदान बाद में चालू हो गया और लोग आश्वस्त दिखे, यहां लंबी कतारें जरूर लगी रही, लेकिन अब मतदान जारी है। लाइन में
ऐसे सीधे लग जाते हैं दरवाजे। हम इस समय रीवा के सिलपरा में मौजूद हैं। यहाँ पर तकनीकी वजह से मशीन ख़राब हो जाने की वजह से वोटिंग 9 बजे से चालू हुई। मेरे पीछे आप जो लाइन आप देख रहे होंगे इसी का नतीजा है कि यहाँ पर इतनी भीड़ इस समय दिखाई जा रही। अभी इस समय 10 बजे हैं, बहुत कम वोट यहाँ पर हुए हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, हम उनसे बात करते हैं किस वजह से यहाँ पर मतदान लेट हुआ। एक जगह की पोलिंग बूथ में मशीन की एक गड़बड़ी हुई, उसके बाद वो बदली गई, दूसरी भी गड़बड़ी हुई, इस वजह से हम लोग का मतदान थोड़ा धीमा पड़ेगा। बाकी तो मतदान बहुत शांतिपूर्ण और सौहार्द दृष्टि से हो रहा है और इसमें कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल हम लोग के यहाँ सब कोई स्थगित। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता कश्यप है, मेरा मोटर मंडल अध्यक्ष सिलपरा है, मतलब मेरा ठीक। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग का शांतिपूर्ण मतलब मतदान हो रहा है। जैसा कि आपने बताया यहाँ पर तकनीकी वजह से एक मशीन ख़राब हो गई थी, दूसरी मशीन लगाई गई थी वो भी ख़राब हो गई थी, अब उसके बाद मतदान चालू हो गया है। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर वोटर इसमें मतदान करने के लिए मौजूद है। रीवा दर्शन ने चुनावी बुलेटिन में एक एक जगह पर जाकर जो पोलिंग बूथ है वहां पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। आपको लेकर चलते हैं गुढ़, गोविंदगढ़ और रीवा जिले के कई बूथों पर जहां पर हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जगह पर जाकर चर्चा की लोगों से। हम इस समय मौजूद हैं गोविंदगढ़ के वोटिंग क्रमांक 142 और 143 में। यहाँ पर 143 में काफ़ी तेज़ी से काफ़ी लंबी लाइन के साथ मतदान हो रहा है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। 143 में काफ़ी संख्या पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी सुबह वोटिंग के लगभग 2 घंटे के आसपास होने को आए हैं। मैं आपको बता दूं मतदान का प्रतिशत काफ़ी तेज है, लगभग यहाँ 20% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। रीवा दर्शन की मैं जागरूक। हम लोग आए ना सरकने लगी ना स्पीड से, दोनों बूथ है सरकने नहीं, दोनों बूथ है नहीं, वो अलग है कहां ऐसे कर लीजिए आप लोग। हां जी निकल लीजिए।
लगाइए अंगूठे जल्दी, जो भी आप फटाफट वाला काम करें, जो नहीं हमारा रजिस्टर मत डिस्टर्ब करें। जल्दी देखिए, बाहर निकलिए, देखिए पहले रखिए नीचे, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। हम इस समय मौजूद हैं परिवहन कार्यालय में, RTO ऑफिस। यहाँ पर मतदाताओं की काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हम सीधे मतदाताओं से बात करते हैं, उनकी किस तरीके की समस्याएं हैं, आप लोगों की किस तरीके, कब से आप लोग यहाँ पर खड़े? करीब 2 घंटे हो गया, 2 घंटे में 2 फुट लाइन बढ़ी है। 2 घंटे में 2 फुट लाइन, क्या कहना है आपका? अब ये थोड़ी सी प्रक्रिया में धीमी है, पर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें जो प्रोसेस है अंदर, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। इम्प्रूव करना चाहिए, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि यहाँ पर नहीं ठीक चल रहा है? जैसे महिलाएँ भी हैं और चल रहा है। यहाँ के मतदाताओं का, कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर काफ़ी स्लो प्रोसेस है, कुछ लोगों का कहना है सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। जहाँ तक रीवा दर्शन का ये मानना है, मतदाता शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, मतदाता अपना वोट डालने के लिए काफ़ी इच्छुक हैं। वो चाह रहे हैं कि हर हालत में, हर स्थितियों से गुजरकर वो अपना मतदान करेंगे, जैसे उनकी मनचाही सुनी हुई सरकार बन सके। रीवा दर्शन के लिए मैं जागरूक नहीं सोचता ना, चलो राजेश इस समय खड़े हैं हम RTO ऑफिस में। यहाँ पर काफ़ी मतदान करने के लिए काफ़ी उत्सुकता है लोगों के बीच में, पीछे काफ़ी लंबी लाइनें हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं, वोट डालने आई हैं और उनको कैसा लग रहा है वोट डालने आने में, क्या कैसा आपको महसूस हो रहा है? ये हम आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम खुद निर्णायक स्थिति में हैं कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए, और हम महिलाओं ने पूरी भूमिका निभाई है इस मतदान में, और हम विकास के साथ हैं। जिस व्यक्ति ने विकास किया है, जो सरकार का विकास कर रही है, हम सभी महिलाएं विकास की ओर, और निश्चित रूप से रीवा की जनता जनार्दन विकास की ओर। घर से टाइम निकाल के आप वोट डालिए? जी हाँ, अच्छा लग रहा है, मौका मिल रहा है अपना वोट चुनने के लिए, सरकार बनाने के लिए। थैंक यू। ये थी महिलाएं, जिनका कहना था उन्होंने अपने घर से अपना समय निकाला था, पहले से तय रखा था कि वो इस बार अपनी मनचाही चुनी हुई सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाएंगे। रीवा दर्शन के मैं जागरूक भैया, दोबारा कर सकते हैं डीए साहब, फर्जी इसी में हो रहा है। ये पूरे रीवा जोन के चारों ज़िलों में अभी तक सभी जगहों में बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। ये सभी मेरे अधीनस्थ कर्मचारियों का मेहनत है, कई महीनों से वो लोग इस हेतु असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई किया है, और लगातार उन लोगों ने अपने पोलिंग स्टेशंस का भ्रमण कर जो जो कदम सुरक्षा संबंधी हेतु लेना है उसके साथ है, और दूसरे हमारे सहयोगी विभाग कई है, रेवेन्यू विभाग है, दूसरे वन विभाग है, होमगार्ड है, सभी लोगों के साथ मिलके उन लोगों ने चुनाव में अभी तक के मैं पूरी चारों जिलों में बहुत शांति है। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे रीवा के इन बूथों पर किस तरह से मतदाताओं का रहा रुझान, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मेहमान है आज के अनिल त्रिपाठी जी। आप बने रहिए रीवा दर्शन के साथ। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है।
इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, इसके पहले हम आपको परिचय करा देते हैं। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अनिल त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आज मतदान को लेकर पूरे जिले भर में रुझान देखने को मिला, सभी मतदान बूथों पर लोगों की भीड़ जमा रही और वो वोट देने के लिए भीड़ पर शामिल होते रहे और अपना मतदान देकर आगे बढ़ते रहे। इस पर प्रशासन ने वहां पर पुख्ता इंतजाम किए थे, इसलिए किसी भी तरह की कोई असुविधा लोगों को नहीं हो रही। अनिल जी, क्या देखने को मिला, जिस तरह से लोग मतदान केंद्रों पर जा रहे थे, बूथों पर भीड़ लोगों की जमा हो रही थी, सुबह से क्या हाल रहा? देखिए, सुबह से आज मैंने कई मतदान केंद्रों का, बूथों का दौरा किया है और सबसे बड़ी चीज ये थी कि सुबह से महिलाएं काफी उत्साहित थी मतदान करने के लिए। और जो अभी तक की रिपोर्ट मिली है दोपहर में 1 बजे तक की, वहां पर 31% से ज़्यादा का मतदान हो चुका है। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में सुबह सुबह मैंने देखा कि महिलाएं सबसे ज़्यादा, उनको ये था कि कामकाज बाद में मतदान पहले करना है। और जो प्रशासन ने प्रयास किया था कि 70% मतदान हो, उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतदान का प्रतिशत इस बार 70-75% के आसपास रीमा का जा सकता है। लेकिन एक खास बात ये भी थी कि जो ईवीएम मशीनें हैं वार्ड नंबर 3 में एजी कॉलेज में बूथ नंबर 2 पर, लगभग 8:30 बजे से 9:15 बजे तक मतदान बंद रहा। यही स्थिति चुरहटा में, चुरहटा शासकीय हाई स्कूल में भी लगभग आधे घंटे तक मतदान बंद रहा और बाद में ईवीएम मशीन वहां से अलग से बुलानी पड़ी। तो ये स्थितियां हैं और लगातार मतदान के प्रति उत्साह ज्यादा है। बिल्कुल, इस बार युवाओं के वोटरों की संख्या भी वहां पर ज्यादा देखने को मिली। साथ ही महिलाएं जो थी घरों में रहती थी, वो भी सुबह से ही लाइनों में देखने को मिली, कतारों में खड़ी रही। आपने क्या नजारा देखा कि ये लगा कि महिलाएं भी इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले? देखिए, मतदान के प्रति जो उत्साह सुबह अभी जो फर्स्ट हाफ का था, वो महिलाओं में काफी उत्साह था। खासतौर से युवा भी काफी उत्साहित है, खासतौर से वो युवा जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनमें उत्साह बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरुष वर्ग है, तो उसमें अब ये है कि 2 बजे के बाद अब वो शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है। बिल्कुल, जो दर्शक आप हमारा रीवा दर्शन देख रहे हैं, उनसे भी अपील है कि अगर उनके घर के आसपास कोई लोग जो मतदान केंद्र नहीं जा रहे हैं या वोट नहीं दे रहे हैं, वो भी मतदान केंद्र जाए और अपना अमूल्य वोट दें, ताकि देश के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए और आपके प्रदेश के विकास के लिए आपका वोट भागीदार बने। आप भी कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से कि मैं वो घरों से निकलकर जाएं? जी जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि सरकार बनानी है, विकास के लिए एक नई सरकार चुनने जा रहे हैं, तो सभी लोगों को अपना मतदान करना चाहिए। साथ ही मैं प्रशासन की इस रवैये को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस बार प्रशासनिक स्थितियां काफ़ी बेटर हैं और पुलिस काफ़ी सक्रिय है, क्योंकि जो बूथ है उसके आसपास 100 मीटर 200 मीटर तक भीड़भाड़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। लोग आराम से जा रहे हैं वोट डाल के, अपना उनको सम्मान के साथ जो है अपना निकल रहे हैं और अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है, कहीं भी विवाद की स्थिति कहीं भी देखने को नज़र में नहीं आई है। जैसा कि अनिल जी बता रहे थे कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिल रही है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तो सभी दर्शकों से हमारी भी अपील है कि कृपया वो वोट डालने जरूर जाएं, उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। अगर वो विकलांग हैं या हैंडीकैप्ड हैं, तो उनके लिए प्रशासन ने अलग से पुख्ता इंतजाम किए हैं, वो प्रशासन को इसकी जानकारी दें, प्रशासन उनके पास आएगा और उन्हें मतदान कराने के बाद वापस उन्हें घर में छोड़ेगा। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे राजेश पटेल जी। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसके पहले हम आपको परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश पटेल जी हैं, आप पत्रिका जैसे ग्रुप में काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनावी माहौल है, इस तरह सभी बूथों पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग मतदान के लिए जा रहे हैं। आपने करीब से देखा, कई बूथों पर आपने दौरा किया, खास तौर से हम अगर बात करें पीके स्कूल में मौजूद पिंक बूथ की, क्या देखने को मिला, क्या खास रहा वहां पर?
जी जी आप ठीक कह रहे हैं, अभी हमारे साथी में सुन रहा था युवाओं पर उनका ज़्यादा फोकस था, तो अगर हम आंकड़े पे बात करें तो हमारे यहाँ जिले में 47,000 युवा वोटर पहली बार मतदान के लिए बूथों पर पहुँचे हैं। इनकी उम्र है 18 से 19 साल, ऐसे मतदाता जो 47,000 संख्या है पहली बार मतदान करेंगे। और अभी हम कई बूथों पर देखा भी कि उनका जो लोकतंत्र मजबूत करने के लिए वो सोच रहे हैं, उनका जो रुझान था वोट डालने का, उनमें खासे वो उत्साहित दिखे। वोट डालकर कई ऐसे युवाओं से मुलाकात भी हमारी, वो लौटे तो उन्होंने कहा कि अभी मैं पहली बार मतदान करके मुझे बहुत ही वो लगा, गौरवान्वित महसूस हुआ कि मैं लोकतंत्र में मेरा भी हिस्सा, मैं भी हिस्सेदारी बढ़ाए लोकतंत्र को मजबूत होना, इससे हमारे देश का विकास निर्धारित हो सकेगा कि हम किधर क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, आने वाली जनरेशन जिस तरह से युवाओं पर निर्भर होती जा रही है और युवा देश की शक्ति माने गए हैं, युवाओं का रुझान अगर लोकतंत्र के इस महापर्व की तरफ बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर एक असर डालने वाला होगा। क्या लग रहा था आपको कि इन युवाओं की सोच कैसी है? देखिए ये विजय जी, हमने देखा कि जैसे पिंक वोट पे जो महिलाएं वोट डालकर निकल रही थी, उनमें जो यूथ वर्ग और जो उनके साथ उनकी फैमिली के मेम्बर्स, उनकी माँ है, बहन है, दादी है, तीनों का अलग अलग ही वो दिख रहा था कि अगर वो जो यूथ की बात करें तो यूथ का टेक्नोलॉजी की ओर ज़्यादा था। कई ऐसे मतदाताओं ने कहा कि वो तकनीकी शिक्षा की ओर अगर बढ़ रहा है हमारा देश तो बहुत ही बेहतर होगा। वहीं जो है इनकी जो दादी उनके साथ में वोट डालने आई थी, उनका ये था कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो महंगाई कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को जो घरेलू उनके तैयारियां रहती हैं, उनका जो बजट रहता है, वो इसको देखकर सरकारों को चुनती है। निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पर युवाओं की भीड़ देखने को मिल रही है, पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं के इस माहौल से निश्चित तौर पर देश बदलेगा और विकास की नई गति मिलेगी। आप बने रहिए रीवा दर्शन के साथ, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद नई खबरों के साथ फिर होंगी हाजिर। ऐसे पत्ते सही चाहिए जो गरीबों के हित के लिए करें और अच्छा कार्य करें। पहली बार आपके पोलिंग बूथ में केवल और केवल महिलाएं होंगी, पूरी तरीके की व्यवस्था वहाँ समझ लेंगी, कैसा लग रहा है आपको, किस तरीके का रहा, किस तरीके सीखने का अनुभव हो रहा? अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। किस तरीके से आप लोग को ट्रेनिंग दी गई, थोड़ा विस्तार से बताइए। अच्छे ढंग से दी गई, ट्रेनिंग में जो बताया गया उसके हिसाब किताब से फिर अपने में भी थोड़ा सा। जैसा कि पहली बार आप लोग पिंक बूथ में पूरी महिलाएं मोर्चा संभालेंगी चुनाव का, कैसा लग रहा है, किस तरीके की तैयारी हुई है, विस्तार से पूरी बात बताइए। देखिए ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी हुई, ट्रेनिंग में एक एक पॉइंट वाइज पूरा बताया गया हम लोगों को, जिससे कि वहाँ किसी तरह की प्रॉब्लम है। बाकी फिर गूगल में वीडियो डाले हैं हम लोग, उससे देख लेंगे जहाँ कहीं प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही। हाँ कॉन्फिडेंस है काफ़ी, ये है कि जब पूरी महिलाएँ सबको काम करती हैं, कोई दिक्कत नहीं। महिलाएँ वैसे भी काम तो अच्छे से कर ही लेती हैं, ज़्यादा अच्छे से कर लेती हैं, कोई दिक्कत। क्या नाम है आपका? अपना श्रेयस का।
ज़्यादा होने लगे 16-17 से। तो हमारा क्या जरूरत है फिर, हमारी आवश्यकता नहीं है, सब लोग पूरे हो गए तो आप लोग निकल लो। हाँ ले ली, सब लोग मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा, स्माइल फेस गाड़ी लगा दो। ये देखा सोता है कोई इधर नहीं है, जूम करके बना लीजिए। अब क्या रही
में खींचते, सारे के खींच के छापते, थोड़ का का नाम है तो वह हो जाए जिंदगी बदल जाए। हम इस समय मौजूद हैं निपनिया में, यहाँ पर काफी गहमा गहमी का माहौल है, काफी तादाद में यहाँ पर वोट पड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ आम नागरिक मौजूद हैं जो अभी अभी वोट डाल के बाहर निकले हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे, वो मतदान करने आए थे, किन मुद्दों पर, किन वजह से उन्होंने मतदान किया। जैसा यहाँ पर वोट ऑफ परसेंटेज बहुत अच्छा जा रहा, किस तरीके से आप लोगों ने मतदान को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया? ये मैं इसके लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मतदान की प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर जो हमारे जो गाँव है वार्ड नंबर एक है, यहाँ पर चार पोलिंग बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ, और इस समय मतदान 75% के करीब हो चुका है और किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं है। ये निपनिया वार्ड नंबर एक है, यहाँ करीबन 3700 वोटर्स हैं, और अभी तक मतदान शांतिपूर्वक पूर्ण अच्छे तरीके से चला आ रहा है, और मैं समझता हूँ 75% हो चुका, उम्मीद है 80 तक निकल जाएगा। विकास, ये विकास तो चूंकि पूरे रीवा शहर को दिख रहा है, विकास बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब युवा हैं और युवा ये चाहता है डेवलपमेंट और विकास हो। आज बहुत सारी सरकारें आई हैं और बहुत सारे विकास हुए हैं और सबको दिख रहा है। आज हमको बिजली, सड़क और नाली रोड चाहिए था, वो पूर्ण तरह हो गया। हमारा सफेद शेर चला गया था, वो वापिस आ गया, और जिसने भी वापिस लाया है मैं उसको वोट दूंगा, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपके मोहल्ले की क्या प्रमुख समस्या है? हमारे मोहल्ले की जो स्मोक संस्था थी, एक तो सामने आप पानी की टंकी देख रहे हैं जो विकास का प्रतीक है, हमारे पूरे मोहल्ले में लाइट बिजली नहीं रहती थी, वो पर्याप्त व्यवस्था है। हम सुशासन की सरकार चुनने आए थे और सुशासन सरकार चुन के जाएंगे। बनिया में करीब 30-35 वर्षों से मैं चुनाव देखता हूँ, यहाँ का वातावरण ही ऐसा है, यहाँ सब कई धर्मों के लोग हैं लेकिन आपस में मिल के था, यहाँ का भाईचारा आपको अन्य वार्डों में नहीं मिलेगा। आपका कहना है मतलब है सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग रहते हैं, उसी से मतदान भी करते हैं। निपनिया में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, सभी एक भाईचारे के आधार पर हम लोग बैठ कर वोट कर रहे हैं, और वोट का मुख्य रूप से मुद्दा है विकास के आधार पर हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। जो वोट यहाँ पर पड़ रहा है, किस तरीके से आपको माहौल दिख रहा है? और वक्त सही मायने में बदलाव का है, और जनता जनार्दन आज सब चेतन है और जागरूक है, और बात विकास की तो है, पर विकास में गरीबों का योगदान कितना है? क्या किसी को समदड़िया में दुकानें किसी गरीब आदमी को मिलेगी बिगैर पैसे की? तो हम चाहते हैं कि सरकार तवे में रोटी की तरह परिवर्तित होती रहे, बदलती रहे, ताकि जनता के हितार्थ काम होता रहे। जीवनलाल साकेत, हम लोग बहुत परेशान होते थे कि हमारे वार्डों में काम नहीं हो पा रहे थे, अभी सरकार ने बहुत अच्छी योजना निकाली है पूरे मध्य प्रदेश में,
आवास योजना दुनिया भर जो है। यहाँ के लोगों का कहना था कि हम लोग मिलजुल के रहते हैं, ठीक उसी तरीके से मिलजुल कर वोट करने आए हैं और इस बार हम लोग अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर मतदान करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे रीवा शहर में सर्वाधिक मतदान करने वाली यह हमारी निपनिया पोलिंग रहे। हम लोगों ने अपने मनपसंद व्यक्ति को वोट दिया है, मनपसंद जो भी हमारे मुद्दे थे हम अपनी चुनी हुई सरकार से उन मुद्दों को काम कराएंगे। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद हूँ। Thank you.